हेलो गाइस, तो अभी लॉस सैंटोस पे बहुत ही ज़ोरदार की बारिश हो रही है और मैं तो यहाँ पर आया था बर्गर खाने। ये देखो पीछे मेरे एक होटल है जहाँ पर बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, तो मैं बर्गर खा ही रहा था। अचानक ही एक कॉल आ गया और मुझे मेरा खाना छोड़ के उठना पड़ा। अब वो क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मैं एक डिटेक्टिव बन गया हूँ और मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे केस आने लगे हैं। तो पिछले बारी मैंने एक फ़ाइटर जेट को जो कि चोरी हो गया था उसे एयरपोर्ट में लैंड करवाया और पुलिस वालों को उसके बारे में खबर भी दे दी है। तो उसकी वजह से मेरे पास और भी केस आने लगे हैं और एक और मुझे एक नया केस मिल गया है। ये देखो यहाँ पर शायद एक एक्सीडेंट हो गया था और एम्बुलेंस वाले भी आ गए हैं शायद जांच करने के लिए कि ये ज़िंदा है भी है या फिर नहीं। मुझे नहीं मालूम। तो मैं तो अपने केस के बारे में बता रहा था। मुझे अभी अभी पता चला है कि आज से बिल्कुल 1 महीने पहले एक बैंक के शोरूम में बहुत ही बड़ी एक रॉबरी हो गई थी और पैसे के साथ साथ उसमें बहुत गोल्ड भी था, तो उसके साथ गोल्ड भी बहुत सारा चोरी हो गया था। तो अभी पुलिस वाले ये इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं ये काम करूँ और जितना भी गोल्ड है उन सबको रेस्क्यू करके वापस उस बैंक तक पहुँचा दूँ। तो मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूँगा और पता नहीं 1 महीने हो गया था लेकिन पुलिस वालों ने ये केस क्यों नहीं सॉल्व कर पाया अभी तक। तो मैं चलते चलते सोच ही रहा था कि गोल्ड जो है चोरी करके कहाँ पर रखा जा सकता है। तो अभी पुलिस वालों से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है और बस उन्होंने इतना ही कहा है कि उन्होंने चप्पा चप्पा ढूंढा लेकिन वो गोल्ड उनको कहीं नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड को किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया गया हो और मुझे अभी उस बारे में पता लगाना है। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि जिस दिन वो गोल्ड चोरी हो गया था उस बैंक से वो एक ट्रक को चेस कर रहे थे लेकिन वो ट्रक भाग निकला और क्योंकि बैकअप बहुत ही ज़्यादा कम था उनके पास तो वो लोग इंतज़ार करने लगे। अब लेकिन जब तक बैकअप आया तब तक वो ट्रक में ड्राइवर भी नहीं था और ट्रक में कोई माल भी नहीं था, लेकिन वो ट्रक यही पास में एक जगह पे आके रुक गई थी। तो मुझे उस जगह पर जाना है अभी और पता लगाना है कि वहाँ से कुछ मिलता है या फिर नहीं। तो पुलिस वालों को अभी अभी 2 गोल्ड कार्ड मिली है और उनको लगता है ये गोल्ड वही है जो बैंक से चोरी किया गया था और उन लोगों ने अभी मुझे भेजा है वहाँ पर उस गोल्ड को रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो उनके हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं उन कार्ड्स को रेस्क्यू करने की। तो अभी मुझे वहाँ पर जाना होगा और उस गोल्ड को रेस्क्यू करना पड़ेगा और पुलिस वालों को फिर से उन कार्ड को वापस देना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। अभी मुझे पता चला है कि उन लोगों ने अभी पुलिस वालों के ऊपर भी फायरिंग करनी शुरू कर दी है जो पुलिस वाले वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गए थे, इसलिए पुलिस वाले वहाँ से पीछे भाग आए और मुझे ये काम दिया कि मैं जाके उस गोल्ड को रेस्क्यू करूँ, मतलब उन दोनों कार्ड्स को रेस्क्यू करूँ और उनके हवाले कर दूँ। तो इसीलिए सारे लोग अभी भाग रहे थे और ये देखो यहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब है। शायद फायरिंग रुक गई है और पुलिस वाले शायद वहाँ से निकल गए लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। मेरे सामने ही है वो कार्ड्स की लोकेशन, मुझे शायद यहीं पर से मिली थी। हाँ यही है, यहाँ पर पार्किंग जो है भाई वहीं पे शायद वो कार्स मुझे अभी मिल जाएंगे। तो देखना पड़ेगा हालात क्या है अभी। तो ये देखो ये गोलियाँ बरसा रहा है मेरे ऊपर, पता नहीं अब मैं क्या करूँगा। चलो स्नाइपर राइफल से शूट करता हूँ, देखते हैं शायद मेरा काम हो ही जाएगा। और बाप रे बाप, इनके पास तो बहुत ही एडवांस वेपन्स है। मेरा स्नाइपर राइफल पता नहीं कुछ काम का है या फिर नहीं। अभी मुझे मौका नहीं मिल रहा शूट करने का, देखता हूँ फिर से। अरे नहीं, एक ही बार में शूट करना पड़ेगा तो ही मेरा काम हो पाएगा। गोल्ड कार्ड उनके पीछे है, उम्मीद है उस गोल्ड कार्ड को कुछ ना हो। और शायद नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ और ही निकालना पड़ेगा। चलो इससे देखता हूँ। और अरे नहीं, एक बार में ही मारना होगा, स्नाइपर राइफल से ही शूट करता हूँ। चल चल भाई, अरे गोलियाँ लग गई मुझको। ठीक है एक तो गया और अभी दूसरे की बारी। और ये भी गोलियाँ बरसा रहा है मेरे ऊपर और ये गया और शायद वहाँ पर और भी है, पता नहीं जाके देखता। हाँ वहाँ पर है और भी है। तो इनको तो मैं नॉर्मल मिनीगन से ही शूट कर दूँगा। तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं यहाँ से दिख नहीं रहा, वहाँ पर जाके ही देखना पड़ेगा। और ये मैं निकला और ये, अरे रुक जा भाई, ये गया।
ये गया। अरे वो एक और है, एक और है, रुक जा रुक जा। अरे ये भी गया, और देखता हूँ और है क्या। नहीं ये तो पहले से ही मरा हुआ है। और ये रहा वो दोनों गोल्ड कार, ये एक और ये दूसरा। तो अभी मुझे इन दोनों गोल्ड कार को लेके पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दिया है जहाँ पर मैं इन कार्स को ड्रॉप कर सकता हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। तो कार्स को लेके मैं निकल चुका हूँ। ये पहली वाली कार पहले पहुँचा देता हूँ, फिर दूसरे की बारी। और मुझे बोला गया है कि इस कार को बहुत ही संभाल के लाने के लिए, क्योंकि ये पूरा गोल्ड का बना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक भी खरोच आया तो नुकसान हो जाएगा बहुत ही बड़ा। तो अभी मुझे बहुत ही संभाल के इस कार को ले जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही ले जाना पड़ेगा, देर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इस कार से पूरा गोल्ड निकालना भी है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा काम है। तो उन्होंने मुझे ही पास में एक मूवी थिएटर के पास एक लोकेशन भेजी है वहाँ पे ये कार्स को ड्रॉप करने के लिए। तो अभी मैं निकल ही चुका हूँ वहाँ पर उस रास्ते के लिए, और मैं शायद पहुँच ही गया। तो यहीं पर एक जगह उन्होंने बोला था कि वो उस कार को पार्क कर देने के लिए, और वो खुद इस कार को ले जाएंगे। तो यही वो जगह है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मूवी थिएटर के पास में इस कार को पार्क कर देता हूँ। तो फिर मेरा काम यहाँ पर होता है ख़त्म। तो अभी मैंने एक गोल्ड कार को यहाँ पर आके रख दिया। अब दूसरे की बारी, मुझे दूसरा कार भी लाके यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने गोल्ड को एक कार में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब दोनों कार ही बना दिया पूरा गोल्ड से, जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पुलिस वालों को गोल्ड कार भी मिल गई अभी, और मुझे भी एक गोल्ड कार चलाने के लिए मिल गई। तो अभी दूसरे की बारी, दूसरा ला के यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ही मेरा टास्क ख़त्म हो जाएगा। तो चलो दूसरे दूसरे कार के लिए, मेरे लिए ये कार सही होगा। हाँ अभी इस कार से ही मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो लगभग मैं पहुँच ही गया शायद। मुझे अभी भी पता चला है कि मेरे यहाँ से आने से पहले ही कुछ लोग आए और उस गोल्ड कार को चोरी करके ले गए। भी पता नहीं उस कार को मैं कैसे ढूंढूंगा, कहाँ पर ढूंढूंगा। तो पुलिस वालों से मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आखिरकार। तो ये मेरा टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे वो कार ढूंढना पड़ेगा। ये तो गजब हो गया कि पुलिस वालों ने मुझे अभी भी बताया कि वो लोग जो कार लेके भाग गए हैं वो असल में नकली गोल्ड कार है, और असली वाला यहीं पर है। तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनको, तो वो लोग इस कार को यहीं पर छोड़ के गए और नकली वाला लेके चले गए। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब मैं इस कार को भी वहाँ पर जाके पार्क कर दूंगा, तो ये मेरा टास्क ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं एक और बार निकल चुका हूँ इस कार को लेके। उन्होंने मुझे बताया है कि अरे भाई रुक जा ध्यान से। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस कार को भी कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है इस कार को भी कोई खरोच नहीं आएगा। अरे हट जा सामने से, परेशानी बहुत है आखिर इस टास्क में। मुझे उम्मीद है मैं इस टास्क को भी पूरा कर ही दूंगा आखिरकार। अरे कहीं ठोक ना दूँ, अरे उम्मीद है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो बोट को मैंने जाके टक्कर मार दी, तो ये काम भी लगभग होने ही वाला है। तो मुझे बहुत ही ध्यान से ले जाना पड़ेगा इस कार को, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे शायद। पता नहीं क्या होने वाला है अभी। मैं बस लगभग पहुंच ही गया, तो थोड़ा रॉन्ग साइड से आ गया मैं, लेकिन फिकर करने की बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और ये मैं आखिरकार पहुंच ही गया मूवी थिएटर के पास, और शायद मैं पीछे छोड़ के आ गया। हाँ शायद मैं ध्यान से घुमाना पड़ेगा अभी। और कहाँ गया मूवी थिएटर, चलो यहीं पर पार्क कर देता हूँ, पुलिस वालों को बाद में बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी शायद सेल पे लगी हुई है, चलो यहीं पर पार्क कर देता हूँ, और ये मेरा टास्क हो गया है ख़त्म। तो ये प्रॉपर्टी सेल में है, लेकिन अभी मुझे लेना नहीं है, क्योंकि अभी मुझे मेरा फीस पेमेंट नहीं मिला है। जब मिल जाएगा तो तब मैं सोच लूँगा। तो ये मेरा काम हो गया ख़त्म। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।